ये मारी ट्रैफिक पुलिस का हाल है। क्या लड़के को पकड़ लिया? आपके सामने की बात है, लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़की को नहीं पकड़ा। क्यों? उसने पीछे हेलमेट नहीं पहनी थी, इसने लड़के ने पीछे हेलमेट नहीं, इसको पकड़ लिया। मैटाडोर वाले इनको आके कमीशन देते हैं, एंट्री देते हैं इनको, इनको कमीशन देते हैं, इनको पूरा हफ्ता हफ्ता जाता है, 5-5, 10-10 हजार जाता है पर मैटाडोर इनको। तभी मैटाडोर वाले को ये कुछ नहीं बोलते। मैटाडोर वाले ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी? नहीं पहनी थी। उनका चलान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आता है। आपने चलान करना है, चलान करो। तामी ने चलान करा है, व्हाइट लाइन के अंदर मेरी बाइक चलाई, तामी आके चलान करना वाइट लाइन के अंदर। इन्ना रूल तो मुझे पता, वाइट लाइन के अंदर गड्डी किश भी नहीं होती। तामी चलान करा तो फिर मैं क्या करा, कर लो चलान करना, जाओ कर लो। क्या चलान किया अभी? चलान कर रहे हैं फोन का, वाइट लाइन के अंदर थी बाइक सिर्फ मैं रोक रहा था साइड पे, क्योंकि चौक में थी, चौक से मैं इधर आया हूँ। ये जीवल चौक है, जीवल चौक से मैं इधर आया हूँ, इधर बाइक साइड में लगा रहा हूँ। इनके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बाइक से कट मार के भी निकला। इन्होंने बोला फोन दो, मैं फोन भी पकड़ा दिया, इन्होंने लाइसेंस दो, ये लो लाइसेंस भी पकड़ा दिया। कोई वायलेंस नहीं, फिर भी आ गए थे ऐसे इशू बना रहे हैं। अगर ये आगे आप दिखा भी दो, 10-15 लोग इधर खड़े हुए हैं, सबका इशू बनाया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। केड़ी बदतमीजी की है? कौन सी बदतमीजी की है? बदतमीजी कोई बदतमीजी नहीं की है। आप मीडिया वाले हो, आपको ही पता है, मैं भी इधर ही हूँ, इधर का ही रहने वाला, लोकल रहने वाला हूँ, रूल मेरे को ही पता है। लेकिन ये रूल तो नहीं है कि क्या नाम है, अगर बाइक रुकी हुई है, हेलमेट पहनी हुई है, बाइक बस ऑन है, फोन कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई आओ लगाओ साइड पे, चलान कराओ। किस बात का? वाइट लाइन के अंदर है बाइक मैं चला रहा हूँ। बाइक आपने खड़ी करी, क्यों चला रहे हैं? ये बाइक ऐसे आ रही है, ये ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके चल रही है बाइक, ऐसे करके चल रही है वाइट लाइन के अंदर। मैं ऐसे करके इधर हाथ रखा हुआ है, न्यूट्रल में थी बाइक, गियर में भी नहीं है, न्यूट्रल में बाइक है, और ये सामने आगे कहते चल चलान, ये बात हुई है। अगर इनको बस ये इनको इश्यू दे दिया हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को कि आप करो चलान, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि क्या नाम है। ये आगे से मेरे को रूल से रेगुलेशन बता रहे हैं। देखिए आप वीडियो बनाए, ट्रैफिक वालों का काम क्या है ट्रैफिक पुलिस वालों का? ये क्या नाम है? इधर जाम नहीं लगने चाहिए, जाम कोई लगे उसको फटाफट ठीक कराओ। ये खुद इधर जाम लगा रहे हैं, खुद इधर, इधर देखो पीछे जाम लगा हुआ है, पीछे कितना जाम लगा हुआ है। उधर मैटाडोर रुकी हुई है, रास्ता पूरा ब्लॉक है। मैटाडोर वाले इनको आके कमीशन देते हैं, एंट्री देते हैं इनको कमीशन देते हैं, इनको पूरा हफ्ता हफ्ता जाता है, 5-5, 10-10 हजार जाता है पर मैटाडोर इनको। तभी मैटाडोर वाले को ये कुछ नहीं बोलते हैं। पीछे देख लो, एक मैटाडोर वाला नहीं होगा, कितनी मैटाडोर वाले हैं इसी पूरी लाइन में, जीवल चौक से आगे पूरा आगे तक, क्या नाम है, उधर मायर स्कूल तक, कितनी मैटाडोर होंगी? कम से कम भी 20-25 मैटाडोर लगी होंगी लाइन में, और उनकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। बसेस की यूनिफॉर्म देखो, काम कौन सी, इनकी सीट बेल्ट देखो, मेट्रोड की सीट बेल्ट देखो, मेट्रोड की ड्राइवर की यूनिफॉर्म देखो, मेट्रोड ओवरलोड देखो। आप मीडिया वाले आप देखो, चेक करो मेट्रोड जाएगी, ओवरलोड देखो कितनी, देखो आप देखो अभी उनका के मेट्रोड वाले को पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आप लोगों के हाथ में। देना अगर मेट्रो में लगाना, देखो ओवरलोड है, सवारियां खड़ी हुई है। मेट्रो वाले ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी? नहीं पहनी थी। उनका चलान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आता है, ओवरलोड है ना। बस ये सामने जा रही है, वो पीछे लड़की ने हेलमेट नहीं पहनी, वो पीछे इसको पकड़ लिया, लड़के को पकड़ लिया। आपके सामने की बात है, लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़की को नहीं पकड़ा। क्यों? उसने पीछे हेलमेट नहीं पहनी थी, इसने लड़के ने पीछे हेलमेट, इसको पकड़ लिया। ये मारी ट्रैफिक पुलिस का हाल है। चलान करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर चलान करना है ना तो सही तरीके से करो। अगर चलान बनता ही नहीं है तो फिर भी अगर आपने चलान करना है, अगर आपने डंडा देना अपना कि हाँ भाई हम ट्रैफिक वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे से इनको कुछ भी बोलो, बदतमीजी करते हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग खून है, बदतमीजी कर रहे हैं। हम भी ऑफिस वाले हैं, हम भी इम्प्लॉय हैं। मोबाइल का दिया इनको, चलान ही नहीं पता, चलान किसी का कर रहे हैं।
इनको चलान ही नहीं पता चलान किसी जगह कर रहे आप बताना है कि आप मौके पे थे सरदार जी आप भी मौके पे थे आप भी मौके पे थे इसने क्या किया क्या किया फोन तो चला रहा था व्हाइट लाइन के अंदर था व्हाइट लाइन व्हाइट लाइन अगर अगर व्हाइट लाइन नहीं है ये गाड़ी रुकी हुई है वो गाड़ी रुकी है मैं उन गाड़ियों के साइड साइड से आ रहा हूँ मोबाइल यूज कर रहा था उनकी भी ड्यूटी है वो वायलेशन जो भी है तोड़ रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं नो डाउट बट अब इसमें जो पब्लिक को भी देना चाहिए कि हमने रूल्स फॉलो कर रहे हैं और उसको जो कहते हैं ट्रैफिक वाले उनको ओबे करना चाहिए रूल्स को डेट्स ऑल अगर सीट बेल्ट नहीं है सीट बेल्ट पहनने का ऑर्डर है हर एक चीज का सीट बेल्ट पहनने का अगर उनको ऑर्डर नहीं है तो उनको बताओ ना कि ऑर्डर नहीं है सीट बेल्ट लगवाओ आप ऐसा तो नहीं है सीट बेल्ट नहीं लगती नरवाल जाओ क्या नहीं लगता आप सिलेंसर से आप एक से एक चीज एक 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 चीज भी मिल जाती है अगर जम्मू के जीवल एरिया में हम मौजूद थे यहाँ पर चर्चाओं में रहने वाले जिस थापा साहब जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर एक नाका लगाया गया और जिस बीच आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर चलान जो है वो काटे जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि हालांकि काफी ज्यादा विवाद जो है वो चालक और ट्रैफिक पुलिस के थापा साहब के बीच यहाँ पर देखने को मिला है लगातार जब भी इस तरह के नाके रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस और चालकों में जो है वो कई बार विवाद देखने को मिलता है काफी ज्यादा बहसबाजी भी होती है लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं कि कई सारी गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर जो है वो चलान किए जा रहे हैं हालांकि कुछ चालक जो है वो ट्रैफिक पुलिस से उनकी थोड़ी बहुत जो है बहसबाजी भी यहाँ पर जरूर हो रही है लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि काफी सारी गाड़ियों को यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से बीच रोड में यहाँ पर रोका गया है और जिसकी वजह से जो यहाँ पर जिवल के एरिया में काफी ज्यादा ट्रैफिक की आवाजाही पर भी जो है वो असर यहाँ पर पड़ रहा है। अब आप जनता अपने सुझाव जरूर दें आपको क्या लगता है कि इसमें कौन गलत है कौन सही है देखते हैं जम्मू परिवर्तन मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत जय हिंद जवाहर।